बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो जनाब, आज का व्लॉग भी काफ़ी डिफरेंट है और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपने स्किन केयर रूटीन। चलें तो भाई इंटरेस्टिंग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरी स्किन जो है वह नॉर्मल है और मैं उसी हिसाब से सारे प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ इसमें ऐसी हैं जो ऑल स्किन टाइप हैं, मीन्स ऑयल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ मेंशन करती रहूँगी कि ऑल स्किन टाइप वालों की कौन से प्रोडक्ट है और इसके अलावा दूसरी चीज़ें किस तरह से यूज़ होंगी। तो जनाब, ये है विंस का क्लिनजिंग मिल्क और ये ऑल स्किन टाइप है, मींस नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं वीक में वन टाइम जो है क्लिनजिंग करती हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ पर मेंशन भी हुआ है ऑल स्किन टाइप, और ये बहुत ज़बरदस्त है। और विंस की प्रोडक्ट मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास विंस की जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ हिमानी का फेशियल स्क्रब और ये वाइटनिंग स्क्रब है एप्रिकॉट प्लस वॉलनट, और ये भी ऑल स्किन टाइप है। और मेरे पास आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी 90% जो है ऑल स्किन टाइप, क्योंकि नई चीज़ यूज़ करते हुए डर लगता है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था, लेकिन बिलीव मी कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसका रिज़ल्ट है। मीन्स कि अगर आपके पास टाइम बहुत थोड़ा टाइम है और आपको जाना है और अर्जेंट आपको फेशियल करना है, तो आप ये समझ लें कि ये फुल फेशियल स्क्रब है। और मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, आप इसका रिज़ल्ट चेक करें ज़रा। अच्छा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्मूथी है, इसका टेक्सचर जो है वो जेल फॉर्म में है और इसके अंदर ना एप्रिकॉट के चंक्स हैं, और जब आप रब करेंगे ना तो जो उसके छोटे छोटे से दाने हैं ना, उससे आपकी स्किन के ऊपर जितना भी डर्ट और मैल है ना वो सारा साफ हो जाएगा। ये देखें, जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें ना तो थोड़ा सा या तो रोज़ वाटर लगा लीजिएगा या थोड़ा सा जो है पानी से आप जो है ना उसको वेट कर लीजिएगा। ये देखिए, और जल्दी जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा छोटा सा कॉमेंट्स कर दें। काफ़ी देर तक इसको रब किया है, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स जो है मैंने रब किया है, और ये ज़रा आप रिज़ल्ट जो है वो चेक करें, डिफरेंस देखें। जो स्पेस जो मैंने जहाँ पर किया है रब वो हिस्सा देखें और जो हिस्सा मैंने पीछे छोड़ दिया है वो देखें, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा और 100% है इसका रिज़ल्ट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है ना उसकी ये है कि करने के बाद आपकी जो स्किन है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। कैमरे में इतना फोकस नहीं हो पा रहा, लेकिन बिलीव मी के बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके, 100% है इसके रिज़ल्ट। तो जनाब, यहाँ मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ हिमालय का, और ये डेली स्क्रब है। इससे पहले जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी वो था फेशियल स्क्रब और ये है डेली स्क्रब। अच्छा, डेली स्क्रब का मतलब ये कि आप रोज़ाना रात में आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, सोते वक्त सारा दिन का जो भी आपका चेहरे के ऊपर जो आपकी डस्ट वगैरह आती है ना तो वो इसे नीट हो जाती है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये भी ऑल स्किन टाइप ही है, और लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड गए थे ना उम्रे पर तो ये वहाँ से मेरे लिए लेकर आए थे, और स्पेशली ये समर के हिसाब से ना बहुत ज़बरदस्त है। और मैं नॉर्मली जो है ना डेली बेसिस पे ये यूज़ करती हूँ और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो आपके फेस पे कोई पिंपल निकल रहा है या कोई दूसरी चीज़ें हो रही हैं। और मैं तो डेली बेसिस पे ये यूज़ करती हूँ ना, और अल्लाह का शुक्र है कोई इसके साइड इफ़ेक्ट मुझे अभी तक नहीं मिले। और बस सोते वक्त आपने अपना फेस जिस तरह से वेट कर लिया, वॉश करा पहले, ज़ाहिर है वॉश करेंगे तो वेट हो जाएगा, उसके ऊपर आप इस तरह से टैप कर लें और उसके बाद जिस तरह से हम स्क्रब करते हैं ना उस तरह से आप इसको रब करें और उसके बाद आप इसको धो लें, वॉश कर लें, या आप चाहें तो पहले टिशू से साफ़ कर लें। अब आप यहाँ पर ज़रा इसका रिज़ल्ट चेक करें, आप स्किन टोन देखें, दोनों जिस जगह मैं लगा रही हूँ और जो उसके बराबर वाली स्पेस है ना आपको साफ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। और अब आप अगर रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे ना तो फिर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कितना औसम है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इसके अंदर ना ग्रीन ग्रीन से पार्टिकल्स पड़े हुए हैं,
अच्छा, जब वो रब करते हैं ना तो वो उसकी हेल्प से जो है ना आपके स्किन के ऊपर जितना भी डर्ट है ना वो सब आउट हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, इसका भी रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और आप जब डेली यूज़ करेंगे तो आपको पता है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया है, इस वक्त तो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। और जब आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आप बताएँ कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ रिज़ल्ट, और मैं तो उसको 10 out of 10 ही देती हूँ, और मेरी तरफ से तो ये फुल रिकमेंडेड है। और यहाँ मैं एक इतनी ज़बरदस्त और मैजिकल चीज़ आपको शो कर रही हूँ, जो डेली बेसिस पे तो यूज़ नहीं होती, बट मंथ में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं या मंथ में 2 times भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ फेस के लिए नहीं है, ये आप अपने हैंड्स और अपने पाँव भी, आप फीट भी जो है वो साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन जो जॉब के सिलसिले में बाहर निकलती हैं, उनके हाथों का कलर काफ़ी फेट हो जाता है, और उस हिसाब से ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और मैं मंथ में 2 times इसे यूज़ करती हूँ। और इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको निकालना है और फेस पे टैप करना है, और उसके बाद आपने इसको रब करना है। और इसका जो रिज़ल्ट है ना वो अभी आप आगे जाके देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और जनाब, यहाँ पर मैं आपको शो कर रही थी बॉडी एंड फेस स्क्रब, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई है ना, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है ये। इसकी खासियत ये है कि ये आपकी जो फेट स्किन होती है ना, जो आपकी डेड स्किन है आपकी, वो रिमूव कर देगी। और ये होती है जेल फॉर्म में, और आपने जस्ट इसको रब करना है, सिर्फ रब करना है, हल्का हल्का सा इस पर पानी लगाना है। और आप ये देखें कि इसके अंदर जो है ना पूरी स्किन जो है ना, रब करते करते ही आपको महसूस होगी कि डेड स्किन ना आपकी उतर गई है। अभी आप देखते रहें आगे, और ये बहुत ज़बरदस्त है इसके रिज़ल्ट, और 101% है। और मेरी तरफ से तो ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। और ये मैंने ऑनलाइन परचेजिंग की थी, मैंने किसी शॉप से नहीं लिया है। आप देखें ये रिमूव होने लगेगी बाकायदा आपकी डेड स्किन। और स्पेशली जो लोग जॉब करने के लिए, बहुत सारी ख़वातीन निकलती हैं, उनके हाथों का कलर जो है ना बहुत फेट हो जाता है, या उनकी स्किन डेड हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो शूज़ हम पहन रहे होते हैं उसकी डिज़ाइन की वजह से जो पार्ट हमारा खुला हुआ होता है ना, उसका कलर फेट हो जाता है। तो ये देखें आप, उस हिसाब से बहुत बहुत बेहतरीन है। अब आप देखें, जब मैंने लगाया था ना तो उस वक्त ये वाइट वाइट सा था, और अब जो है ना ये थोड़ा सा ना उसका कलर चेंज हो गया। और अब आप देखते रहें आगे, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये कुछ मैंने इस पर यूज़ नहीं करा है, ये आपकी डेड स्किन है जो उतर कर आ गई है। तो जनाब, आज का व्लॉग हमारा यहीं तक का था, और इंशाल्लाह यहीं से हम अपना व्लॉग कल स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो मैजिकल हैं। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।